हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलआरएनआर क्लासेस। मु सुज्ञानी आज वीडियो लेसन आम पढ़ा क्लास टेन ज्योग्राफी प्रथम अध्याय जार ना हूँ संबल। तेबे तार ही प्रथम पाठ तार ना हूँ संबल और तार विकास। स्टूडेंट्स आम आज वीडियो लेसन जानवा संबल क्या कहुए, तार विनियोग किपर भाव कराए, संबल को किपर भाव कौन कर विभिन्न दिगरे भाग कर ओ एहाकु किपरी विकास स्तर को निया जाय छी ताहा मध्ये आमे माने पढ़िबा ओ जानिबा। तेबे ए सबु जानिबा पूर्वरु आमे माने जानिबा संबल काहाकु कुहा जाय। ताहले स्टूडेंट संबल कौन? तेबे प्राकृतिक परिवेश रे आमको विभिन्न उपादान मिले, आउ मनुष्य हुवंतु किंबा वृक्षलता हुवंतु पशुपक्षी हुवंतु समस्ते प्राकृतिक परिवेश रे ही निर्भर करके बंचंती। साधारण तो तुम्हें मैंने जानी प्राणी मैंने विभिन्न क्षेत्र में प्राकृतिक परिवेश निर्भर करती और से मिलता विभिन्न उपादान को नहीं ही कौन करती निजर जीवन धारण करती। तेज संबल क्या कहुए? मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करी और मूल्यवान बेचित होता। तेज मनुष्य को नित्यदिन बचापी जहा जहाँ आवश्यक ओ से जो गुड़िका तार कार्य लगे ताको छाड़ी मूल्यवान पदार्थ गुड़िक बेचित होता परेश विभिन्न पदार्थ जथा जैव अजैव ओ शक्ति जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणजोग्य। तेरे प्राकृतिक परेश मानव को जहाँ भी मिलू तार उपयोगी हो पार्थ्वा आवश्यक ओ सेमाने जो स्थान रोचार सेठे सुलभता दृष्टि मिल पार्थ आवश्यक। तेरे बंटन दृष्टि संबल सबु जगार कौन थी आवश्यक ना मिल पार्थ्वा आवश्यक। तेरे यही सब दृष्टिकोण देखा गले जपरिक कौन कौन? तेरे मूल्यवान बेचित होता परेशर विभिन्न पदार्थ जी प्रकार परेशर पदार्थ रही विभिन्न प्रकार जैव पदार्थ विभिन्न प्रकार अजैव पदार्थ जपरिक तुम मैंने जाच मूर्तिका जल ए सबको आम मैंने कौन करमर नित्य व्यवहार कार्य लगौ। तेबे शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण कौन ना सुगम्य और आर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव ओ सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणजोग्य संबल कौन हो ना ग्रहणजोग्य मानवर तेबे सेगुड़ी को ही कौन करा जाए ना संबल बोली विवेचना करा जाए। तेबे मनुष्य को बंचिबा को हेले ताको विभिन्न प्रकार उपादान आवश्यक पड़े। तेबे सेथि काहा को संबल कहा जाए और किए संबल अंतर्भुक्त नुह ता पढ़ा। तेबे यह पढ़ा पूर्व आम मैंने जानवा संबल विशेषत्व कौन? ताहले संबल स्टूडेंट्स चारि गोटी विशेषत्व रही प्रथमे कौन कौन? संबल उपयोगिता, तार कार्यदक्षता, सुलभता और परिवर्तनशीलता। तेबे उपयोगिता स्टूडेंट संबल उपयोगिता कौन? संबल को जो भी आम मानक प्राकृतिक परिवेश मिलुची ताहा मनुष्य उपयोगी हो पार्थ्वा आवश्यक। कार्यदक्षता ताहा कौन करा जाए पार्थ्वा आवश्यक विभिन्न कार्य लगा जाए पार्थ्वा आवश्यक। सहीपरि सुलभता यार सुलभता मध्य थिबा आवश्यक। परिवर्तनशीलता तेबे वैज्ञानिक उपाय रे संबल को व्यवहार कर सारा परे ताकू विभिन्न उपाय रे कौन करा जाए पार्थ्वा आवश्यक ना परिवर्तन करा जाए पार्थ्वा आवश्यक। तेबे एही सब होची संबल चारि गोटी विशेषत्व एही सब को लेकिन संबल को कौन करा जाए और विभिन्न दिगरे भाग करा जाए। तेबे प्रकार भेद स्टूडेंट्स तुम्हें मैंने जान लो संबल विशेषत्व कौन कौन? ताहले एबे जानिबा संबल को किपर भाव प्रकार भेद करा जाए। तेबे प्रथमे संबल को किपर भाव प्रकार भेद करा जाए ना प्रकृति दृष्टि। तेबे तुम्हारा प्रथम होउछि प्रकार भेद कौन ना प्रकृति दृष्टि कौन कर संबल को तीन भाग में विभक्त करा जाए। तेबे ताहा मध्य कौन कौन जानिबा? पुणी तुम्हारे सेकेंड जहाँ कि उत्पत्ति अनुसार संबल को कौन कर प्रकार भेद करवहार परिमाण भरण अनुसार वितरण अनुसार विकास स्तर अनुसार और मालिकाना दृष्टि ताहले यही सब दृष्टि कौन कर प्रकृति उत्पत्ति व्यवहार परिमाण भरण वितरण विकास स्तर और मालिकाना दृष्टि कौन कर संबल प्रकार भेद कर। तेबे प्रथमे आमे माने जानिबा प्रकृति
तेबे प्रकृति दृष्टि संबल को स्टूडेंट्स किपर भाव प्रकार भेद कर देख ये प्रथम प्रकृति दृष्टि यह तीन भाग में विभक्त करेबे प्रथमटी कौन ना प्राकृतिक संबल ताहले प्राकृतिक संबल कौन स्टूडेंट तुम्हें जाच जे आम मान संबल के मिले प्राकृतिक परिवेशर ही मिले तेबे प्रकृति में जो पदार्थ व शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव उपकृत हुए ताकू कौन कहुए प्राकृतिक संबल यह जी आम सीधार्थ बुझाक गले प्राकृतिक उपाय मैंने जहाँ किसी भी पाई जदि आम विभिन्न कार्य प्रत्यक्ष भाव हूँ कि परोक्ष भाव हूँ जदि आमर उपयोग आसला आम किसी कार्य लगे पारे ताकू कौन कहगला ना प्राकृतिक संबल बोली कहुए तेबे तार जदि उदाहरण आम मैंने नवा भूमि मूर्तिका अरण्य आम मैंने भूमि उपरे बास करू तेबे भूमि को आम बास करने उपयोगी भाव मन कले और व्यवहार कर प्राकृतिक संबल अंतर्भुक्त से हीपरी अरण्य अरण्य मनुष्य कौन करजर नित्य व्यवहार विभिन्न प्रकार जिनस आणिक रूपातरण करवहार तेबे जंगल रू काठ औषधीय वृक्ष विभिन्न जिनस आम मैंने पाई तो व्यवहार में लगे थापरी मूर्तिका तेबे मूर्तिका को आम कृषि कार्य व्यवहार करमर गोटे उपयोगी आवश्यक पदार्थ तेबे यही सब कु कौन कहगला ना प्राकृतिक संबल बोली कहगला तेबे प्रकृति अनुसार प्रथम कौन विभक्त करा प्राकृतिक संबल ताहले द्वितीय कौन सांस्कृतिक संबल है स्टूडेंट सांस्कृतिक संबल पुणी कौन तेबे मनुष्य निजर दक्षता कारीगरी ज्ञान कौशल कौन करे ना प्राकृतिक संबल गुड़ी को रूपांतरण करी व्यवहार उपयोगी करे मनुष्य प्राकृतिक परिवेश रु कौन करे ना प्रथमे पदार्थ को पाए तेबे ताकू कौन करे पुणी निजर ज्ञान और कौशल को व्यवहार करी ताकू विभिन्न कार्य उपयोगी करथाय तेबे ताकू कौन कहुए ना सांस्कृतिक संबल बोली कहुए पुणी जेपरिक सांस्कृतिक संबल तुम्हें जदि जंगल रू काठ पाओ ता प्राकृतिक परिवेश रु पाइल काठ को आणिक तुम्हें कौन कर ना विभिन्न प्रकार जिनस सेपरी कौन कर गढ़ी पार और विभिन्न कार्य व्यवहार कराए तेबे कौन कहगला सांस्कृतिक संबल ताल तार गोटे उदाहरण एवं आम मैंने जाणी प्राकृतिक संबल तृतीय भागटी कौन से मानव संबल ताहले स्टूडेंट्स मानव को कहीं गोटे संबल बोली कहुई धर जाए तो आम मैंने संबल विषय पढ़ुचे ताहले मानव ये कौटु आसला ता भितर कारण जी भी संबल मिलू खोजिकी बाहर करवा कार काम मानवर काम पर सी कौन कै निज ज्ञान और कौशल व्यवहार करी सीए ही गोटे नूतन जिनस परिवर्तित करे और व्यवहार उपयोगी बनाए जदि मानव न था संबल उपयोग तेणुक मानव कोई ना गोटे संबल रूपे बेचित करनुष्य तार परेश और सांस्कृतिक संगठन रिड़ित तो प्रक्रिय संबल सृष्टि होता है मानव कौन करए मानव और तार परेश सांस्कृतिक संगठन रिड़ित प्रचेषा व प्रक्रिया द्वारा ही कौन हुए ना संबल सृष्टि तेणु मानव को मध्य एक संबल रूपे विवेचना करा स्टूडेंट्स प्रथमे तुम्हें मैंने जान लो प्रकृति दृष्टि किपरी संबल को ये प्रकार भेद करक्रिय प्रकार भेद कर प्रथम हूँ प्राकृतिक द्वितीय हूँ सांस्कृतिक और तृतीय हूँ मानव संबल तेबे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आम मैंने जाणी उत्पत्ति दृष्टि संबल को किपरी भाव भाग कर प्रकृति अनुसार संबल को किपरी भाव विभक्त करें जान ली एाणी उत्पत्ति अनुसार संबल को किपरी भाव विभक्त कर स्टूडेंट्स उत्पत्ति अनुसार संबल को दुईट भाग में विभक्त कर प्रथम हूँ कौन ना जैव संबल द्वितीय हूँ कौन ना अजैव संबल तेबे उत्पत्ति अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कर प्रथम हूँ जैव संबल और द्वितीय हूँ कौन ना अजैव संबल ताहले जैव संबल क्या कहुए परेशर समस्त प्राणी और उद्भिद मान कौन कह जैव संबल अंतर्भुक्त कर
ताहले स्टूडेंट समस्त प्राणी और उद्भिद जो माने कि सजीव तेबे केवल सजीव प्राणी और उद्भिद मानक कौन कर प्राकृतिक परिवेश रे जैव संबल रे सेमानकु अंतर्भुक्त कर जेपरिकी उदाहरण कौन मनुष्य प्राणी उद्भिद माछ पशुपक्षी प्राकृतिक परिवेश रे जेतिकी भी सजीव उद्भिद और प्राणी माने रहिले तेबे सेमानकु कौन कर जैव संबल रे अंतर्भुक्त कर तुम्हें माने एबे जानिल ताहले जदि एमाने हेउचन्ती प्राकृतिक परिवेशर जैव संबल ताहले अजैव संबल कौन ताहले प्राकृतिक परिवेशर जेते की निर्जीव वस्तु से मानको कौन कहा जाए ना अजैव संबल बोली कहा जाए सेपरि समानकर केतरा उदाहरण होची जेपरि की भूमि शिला मूर्तिका स्टूडेंट्स मु तुम मानको प्रथम रु कौन कहली आमे माने प्राकृतिक परिवेशर विभिन्न उपादान को व्यवहार करू तेबे ता मध्यरु केतटा होचंती जैव और केतटा होचंती कोन ना अजैव ताहले जैव होचंती मनुष्य माछ पशुपक्षी विभिन्न प्रकार सजीव उद्भिद ए समस्त सजीव प्राणी मानको कोन कह जाए ना जैव संबल कह जाए सेपरि अजैव जो माने कि सजीव नहंती कोन ना निर्जीव तेबे सेमानको भूतिरु कोन मृत्तिका जल वायु ए सब होचंती कोन ना अजैव संबल ताहले एमानको मध्य आमे माने प्राकृतिक परिवेश रे व्यवहार करू ताहले प्रथमे तुम्हें माने जानिलो कौन ना प्रकृति अनुसार संबल को किपरि भाबे विभक्त करा जाय छी द्वितीय रे आमे जानले उत्पत्ति अनुसार संबल को किपरि भाबे विभक्त करा जाय छी तेबे स्टूडेंट्स एबे आमे माने जानिबा व्यवहार दृष्टि रु संबल को किपरि भाबे कोन करा जाय छी ना विभक्त करा जाय छी तेबे व्यवहार दृष्टि रु प्रथमटा होउछि कौन ना असरंती संबल भाव विभक्त कर द्वितीयटी होउछि सरंती बा सीमित संबल ताहले प्रथमे असरंती ताहले स्टूडेंट्स असरंती संबल कौन पुणी आमे माने विभिन्न प्रकार उपादान को व्यवहार तो करुछु किंतु ता मध्यरु जे कौन ना निशेष बा क्षय हुए ना आमे माने सही प्रकार संबल को बारंबार व्यवहार कलापर मध्य कौन हुए ना सीए निशेष बा क्षय हुए ना किंबा किछु उपाय रे मध्य तार पुनर्भरण हो जाए ताकू कौन कहा जाए ना असरंती संबल कहा जाए यही संबल सरे ना आम मैंने जिते व्यवहार कले संबल परिमाण ह्रास हुए ना तो तार उदाहरण हूँ सौर शक्ति जहाँकि तुम्हें सूर्य पाइथाओ यही सौर शक्ति कौन गोटे असरंती संबल तेबे सूर्य आम जो सौर शक्ति पाइथाउ ता कौन सरी जाए कि ना तेणुक गोटे कौन ना असरंती संबल पुणी वायु भूमि जल युवक मैंने व्यवहार करुचु ताहले समुद्र जल को आम मैंने जदि भी व्यवहार करुचे तहार परिमाण ह्रास पाइले भी तुम्हें जापार कि ना कारण ता गोटे असरंती संबल तेबे नेक्स्ट आम मैंने जाणीबा सरंती बा सीमित संबल जहाँकि व्यवहार दृष्टि ही ताको विभक्त करा जाय छी ताहले सरंती बा सीमित संबल कौन आम मैंने प्राकृतिक परिवेश उपादान जदि व्यवहार करू आउ ताको व्यवहार कलापर कौन हुए ना से क्रमे क्रमे ह्रास पाई जाए बा सरी जाए तेबे ताको कौन कहा जाए ना सरंती संबल कहा जाए बा तुम्हारा सीमित संबल जदि आम मैंने व्यवहार करके सारीदे आउ थे से पुनर्भरण हो पारे ना आम मैंने अगर जगार से ही प्रकार संबल को पाई पारिबा किंतु से ही गोटे स्थान आम मैंने पाई पारिबा ना कारण से सरी जाए तेबे तार उदाहरण होउछि कोयला पेट्रोलियम तुम्हें जाच आम मैंने कोयला को व्यवहार करूँ पेट्रोलियम को व्यवहार करूँ तेज यार ह्रास दिन कु दिन कौन हो बढ़ी बढ़ी चली तेबे आरा पुनर्भरण हो पारे ना कारण यह हूँ गोटे सरंती बा सीमित संबल जार कि क्षय हबार आशंका बढ़ी बढ़ी चली स्टूडेंट्स एबे तो तुम मैंने जान लो व्यवहार दृष्टि संबल को किपरि भाबे भाग सरंती आउ गोटे हूँ असरंती तेबे तापर नेक्स्ट आम मैंने पढ़ा परिमाण दृष्टि पुणी संबल परिमाण दृष्टि किपरि ताको विभक्त कर परिमाण दृष्टि प्रथमे ताको किपरि भाबे विभक्त करा ना अपूरणीय और द्वितीयटी होची पूरणीय स्टूडेंट्स तुम्हें माने जदि चाहिबो एठो स्क्रीनशॉट नै पारिबो किंबा ए सब को नोट डाउन करि पारिबो ताको छाडी कि आरा सेपरेट नोट्स मध्य एलआरएनआर आप रे अपलोड अछि तो तुम मानको जदि किछि भी डाउट हुए तुम्हें माने सिठु चेक करि पारिबो तेबे अपूरणीय संबल स्टूडेंट्स अपूरणीय संबल पुनी कोन एहा कोन हुए ना व्यवहार कला परे संपूर्ण शेष हुए ओ पुनः सृष्टि हुए ना जहाँकि अपूरणीय से शब्द रु ही तुम्हें बुझीपुर थोड़ा अपूरणीय कहीं कह जाए
आमे माने ही प्रकार रा संबल को जदि व्यवहार करि चालिबा तबे कोन हुए ना संपूर्ण भाबे शेष हो जाए ओ एहा पुनः मध्य सृष्टि होइ पारे नाही तबे एहा को कोन कहा जाए अपूर्णीय संबल बोली कहा जाए जेपरि कि कोन ना खनिज पदार्थ कोइला तबे खनिज पदार्थ गोटे खणि रु विभिन्न प्रकार खनिज उपादान कौन हो जाए ना उत्तोलन हो सारापर से जगह को आउ पुनर्भरण करें कि आपे आपे खनिज पदार्थ सृष्टि हो पारे ना ताको सृष्टि हाँपाय बहुत बहुत वर्ष लग जाए तेबे यह गोटे प्रकार अपूरणीय संबल जहाँकि हूँ तुम कौन ना खनिज पदार्थ और कोईला तेबे नेक्स्ट आम मैंने पढ़ा पूरणीय संबल ताल स्टूडेंट्स पूरणीय संबल कौन ना कौनसी ह्रास परिलक्षित हुए ना जेपरिक अपूरणीय आम व्यवहार कले सरी जाऊला आउ कौन हो पार ना पुनर्भरण हो पार ना किंतु पूरणीय संबल कौन सी ह्रास परिलक्षित हम ना आम जिते व्यवहार कले से किसी भी परिमाण में ह्रास हुए ना कि कमे ना ताहले तार उदाहरण कौन कौन ना सौरशक्ति पवन शक्ति सूर्य आमे सूर्य सौरशक्ति जिते व्यवहार कले किरण कमी जाए ना आउ पवन शक्ति पवन शक्ति जिते व्यवहार कले तार कौन हुए ना ह्रास परिलक्षित हुए ना तेणुक एगुड़ी कौन कह जाए ना पूरणीय संबल कहुए जहाँकि परिमाण अनुसार वितरण कर नेक्स्ट आम मैंने जाणी भरण अनुसार संबल को पुणी थे किपर भाव विभक्त कर ताहले भरण अनुसारे मध्य कौन करा जाए छी? ना संबल को दुई भागरे विभक्त करा जाए छी प्रथमटी होची कौन ना नवीकरण योग्य द्वितीयटी होची नवीकरण अयोग्य तेबे नवीकरण योग्य कहा को कहा जाए ना विभिन्न उपाय रे एहा को पुनर्भरण करा जाए नवीकरण योग्य तुम मैंने गोटे पदार्थ हो कि कौन सी भी संबल को जदि निज कार्य उपयोग कर लाख पुणी थे कौन कर नूतन प्रक्रिय ज्ञानकौशल को व्यवहार करके विभिन्न उपाय पुनर्भरण कर दि जापर ताक कौन कहुए ना नवीकरण योग्य संबल कहुए तेब तार उदाहरण हूँ कौन जंगलजात द्रव्य कृषिजात पदार्थ यही सब कौन ना तुम नवीकरण योग्य गोटे स्थान रु कृषि कार्य से जहाँ भी बाहर आम कौन करूँ ना व्यवहार करूँ तेज पुनर्वर से ही जगार पुणी थे कृषि कराइक उत्पादन कर तेणुक कौन कहुए ना नवीकरण योग्य संबल बोली कहुए स्टूडेंट्स नेक्स्ट नवीकरण अयोग्य जो भरण अनुसार नवीकरण योग्य तुम मैंने जान नवीकरण अयोग्य पुणी कौन ना पुनर्भरण संभव हुए ना तार अपोजिट से कौन हो पार ना व्यवहार सत्वे पुनर्भरण हो पार्ला किंतु ये व्यवहार है पुनर्भरण हो पारे ना कि नवीकरण व नूतनीकरण हो पारे ना तेणुक कौन कहुए ना नवीकरण अयोग्य संबल बोली कहुए तेरे तार उदाहरण हूँ कोईला पेट्रोलियम जेपरिक तुम मैंने पूर्वर मध्य उदाहरण जाणी यही सब कौन खनिज पदार्थ गुड़िकर आ पुनर्भरण करे ना तेणुक या नवीकरण अयोग्य संबल बोली कहगला तालोले मैंने नेक्स्ट जाणी पुणी बंटन अनुसार संबल को किपर भाव विभक्त कर बंटन अनुसार जहाँकि पुणी दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ सर्वत्र सुलभ संबल गोटे हूँ स्थानीय संबल ताले तुम मैंने प्रथमटार ना जान सर्वत्र सुलभ संबल मानी सब स्थान भूपृष्ठ तुम मैंने जेकोसी स्थान को मध्य जाओ यही प्रकार संबल से कौन थी ना उपलब्ध थी तुम मानू मिल पार ताल तेणुक कौन कहगला ना सर्वत्र सुलभ संबल सबू जगार कौन हो पारे ना ये मिल पारे तार उदाहरण कौन कौन भूमि जल वायु एसबू ताल भूमि जल वायु तुम मैंने भूपृष्ठ कौन सी स्थान को मध्य चली जाओ सेठे तुमको यही सब जिनस मिल पारे तेणुक सर्वत्र सुलभ संबल बोली कहुए पुणी नेक्स्ट स्थानीय संबल ताल स्थानीय संबल कौन यही सब संबल भूपृष्ठ केवल केतेक निर्दिष्ट स्थान में मिले तेणुक या कौन कहुए ना स्थानीय संबल बोली कहुए तेरे केतेक निर्दिष्ट स्थान जहाँकि खनिज पदार्थ प्राकृतिक गैस कोईला यह सब केवल केतेक निर्दिष्ट निर्दिष्ट स्थान गुड़िकर मिले भूपृष्ठ सब अंचल यह उपलब्ध नुह तेणुक आपको कौन करा गला ना स्थानीय संबल अंतर्भुक्त करा गला
कारण केतेक निर्दिष्ट अंचल कौन करा ना खोजिकी बाहर करा और सही सही अंचल ही सब पदार्थ उपलब्ध। ताहले स्टूडेंट्स उत्पत्ति अनुसार व्यवहार अनुसार परिमाण अनुसार भरण अनुसार बंटन अनुसार प्रकृति अनुसार संबल को किपर भाव विभक्त करें पढ़ल एवं आम मैंने नेक्स्ट जाणी विकास स्तर अनुसार पुणि थे संबल को किपर भाव विभक्त कर विकास स्तर तेज विकास स्तर अनुसार संबल को केते गोटी भाग में विभक्त कर चारोटी भाग में विभक्त कर प्रथम होउछि गच्छित संबल द्वितीय होउछि संबल भंडार तृतीय होउछि विकसित संबल चतुर्थ होउछि कौन ना संरक्षित संबल। तेबे स्टूडेंट्स प्रथम जानिबा गच्छित संबल कहाकु कहाजे तेबे गच्छित संबल गच्छितर अर्थ कौन कौन सी गोटे स्थान एक स्थान कौन हुए ना गच्छित होइकि थाए तेबे एही सब प्रकार संबल कौन ना जाणी तार व्यवहार संभवपर होना यह सेठे क्यों अवस्था पड़ी अव्यवहृत अवस्था से पड़ी तेणुक कौन कहुए से स्थान गच्छित संबल बोली कहुए जेपरिक उदाहरण पवन शक्ति सौरशक्ति आजिकल यही सब शक्ति गुड़िकर धीरे धीरे मात्र व्यवहार बढ़ला कि तथापि यह कौन कौन स्थान गच्छित आकार में रही जाऊँगी संपूर्ण व्यवहार में अणा जा पारना तेणुक यह हूँ गच्छित संबल अंतर्भुक्त। नेक्स्ट संबल भंडार ताल स्टूडेंट संबल भंडार कौन तेज भूपृष्ठर कौन स्थान आम मैंने जाचे किंतु व्यवहार यह करे ना तेणु आपको कौन कहुए ना संबल भंडार बोली कहुए संबल तो रही किंतु आम व्यवहार में आनी पार से हीपरी नेक्स्ट जानिबा विकसित संबल ताहले विकसित संबल जहाँकि व्यवहार उपयोगी कराक खोजिकी बाहर और आमर व्यवहार में अणा जा पारि जार कि उदाहरण हो जल विद्युत शक्ति अरण्य खनिज यही सब पदार्थ कौन आम व्यवहार में आज व्यवहार करग को व्यवहार करेक्स्ट हूँ स्टूडेंट संरक्षित संबल जहाँकि संधान मिली जो संबल संधान मिली किंतु व्यवहार में अणा जा पारिना किंतु आगामी भविष्य में व्यवहार में अणा बोली आशा अच्छी तेरे ता भर हूँ प्रवाहित जल विद्युत है जलर तो विद्युत उत्पादन करु प्रवाहित जलर विद्युत उत्पादन आग कौन करा ना आशा करा ओ आगामी भविष्य में ताजी तेणुक यह संरक्षित भाव वर्तमान रही तुम्हें तो विकास स्तर अनुसार किपर भाव संबल को व्यवहार कर जान लाभर कौटा विकसित संबल संरक्षित संबल संबल भंडार गचित संबल ता जान लगुड़ किपर व्यवहार कराए ताल एवं नेक्स्ट जानिबा मालिकाना अनुसार पुणी थे संबल को केते गुड़ी भाग में विभक्त कर स्टूडेंट्स मालिकाना दृष्टि संबल को विभिन्न भाग में विभक्त करगुड़ कौन कौन ना व्यक्तिगत संबल गोष्ठीगत संबल जातीय संबल आंतर्जातीय संबल ताल संबल तो रही व्यक्तिगत भाव में कौन कराए ना व्यवहार कराए व्यक्तिगत संबल क्या कहुए जो संबल निजस्व अधिकार कौन कहुए व्यक्तिगत संबल कहुए केवल गोटे व्यक्तिर अधिकार थी प्रकार संबल को कौन कहुए व्यक्तिगत संबल बोली कहुए जेपरिक उदाहरण कौन चाष जमी गृह केवल गोटे गोटे लोकंर अधिकार रही थाए तेणुक कौन कहुए यह व्यक्तिगत संबल बोली कहुए। नेक्स्ट हूँ गोष्ठीगत संबल ताल गोष्ठीगत संबल कौन जो संबल गोष्ठीर मालिकानारे अधिकृत होकर रही थाए जी भी स्थावर अस्थावर संपत्ति रहा यह संपूर्ण गोष्ठीर मालिकानार अंतर्भुक्त तेणुक या कौन कहुए ना गोष्ठीगत संबल बोली कहुए तेज तार उदाहरण हूँ गोचर भूमि श्मशान भूमि पोखरी पुष्करिणी नदी यह सब कु कौन कराए ना समस्ते एका सांगे व्यवहार करपारती तेणुक या कौन कहुए ना गोष्ठीगत संबल बोली कहुए तबे नेक्स्ट आम मैंने जानिबा जातीय संबल क्या कहुए जातीय ताहले जातीय कौन ना देशर भौगोलिक सीमा रेखारे थिबा समस्त प्राकृतिक सांस्कृतिक संबल को कौन कहुए ना जातीय संबल बोली कहुए तेरे तार उदाहरण कौन कौन ना रेलपथ केनाल रास्ता घाट जहाँकि जातिर संबल तेरे यह समस्ते व्यवहार करपारती
तेणुक कौन कहुए ना जातिर संबल बोली कहुए जातीय संबल बोली कहुए तेबे एहा देशर भौगोलिक सीमारेखा भितर जहाँ जहाँ भी आसला ताहा एही संबल अंतर्भुक्त जेपरिकी रेलपथ केनाल रास्ताघाट ए सब। नेक्स्ट होछि आंतर्जातीय संबल। ताहले आंतर्जातीय संबल पुणी कौन आंतर्जातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित होउथबा संबल को कौन कहुए ना आंतर्जातीय संबल जेपरिकी सामुद्रिक संबल जहाँ को कौन करा जाए ना आंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित करा जाए। स्टूडेंट्स आम मैंने जानले संबल को किपरि भाव प्रकारभेद करा जाए ओ से कौन कौन अंतर्गत सेहीपरि उत्पत्ति अनुसार विकास स्तर अनुसार मालिकाना अनुसार और विभिन्न प्रकार किपरि भाव विभक्त करगुड़िक कौन कौन तुम्हें जान ल तार डेफिनेशन जान ल तार उदाहरण पढ़िल। स्टूडेंट्स वर्तमान जाणी धारणीय विकास क्या कहुए ताहले धारणा विकास कौन संबल विनियोग आवश्यकता तथा आगामी वंशधरों पर सेगुड़िकर संरक्षण मध्य संतुलन रक्षा करने को कौन कहुए ना धारणीय विकास। ताहले संबल को तो आम मैंने वर्तमान कौन करवहार करुचे किंतु ताकू आगामी वंशधरों पर सेगुड़िकर संरक्षण कर रखा को तार संतुलन रक्षा करने को ही कौन कहुए ना धारणीय विकास बोली कहुए। तेबे तार विशेषत्व धारणीय विकासर ताहले विशेषत्व गुड़िक कौन कौन मनुष्यर जीवन धारण मानरे उन्नति आणिबा सेगुड़िक व्यवहार करिबा ओ सेमानंकु कौन करिबा ना जथेष्ट सचेतन कराइबा पृथ्वीर सामर्थ्य ओ विविधतारे संरक्षण करिबा ताहले एही सब होउची कौन ना धारणीय विकासर केते गुड़िए विशेषत्व ताहले ताको एथिपई करा जाय। पुणी वर्तमान जानिबा संबल विकास योजना तेबे संबल विकास योजना आम मैंने किपरि भाव करिपरिबा जनसाधारण मध्य शिक्षा और सचेतनता सृष्टि द्वारा ही संबल उपयुक्त विकास और विवेकानुमोदित संभव। ताहले संबल को तो आम मैंने व्यवहार करुछे किंतु ताको छाड़िकी मध्य जदि आम मैंने लोक मान मध्य यथेष्ट शिक्षा और सचेतनता पहुँचे पारिबा ओ तांक मनरे ताहा सृष्टि करेदेइ पारिबा ताहले ताहा ही संबलर उपयुक्त विकास। ताहले मनुष्य जदि निजे सचेतन थिबो ताहले से एया मध्य बुझि पारिबो संबल को सीए किपरि ठीक भाबरे विभिन्न कार्य रे विनियोग करि पारिबो ओ ताकु किपरि भाबे उन्नति करि पारिबो ताहा मध्य से बुझि जिवो तेणु ता द्वारा ही कोन होइ पारिबो ना संबलर उपयुक्त विकास ओ विवेकानुमोदित संभव। स्टूडेंट्स उभय क्षयशील और भरणयोग्य संबल वैज्ञानिक पद्धति रे सजत्न उपयोग करा उचित जो संबल गुड़िक क्षय हो जाए और जो संबल गुड़ी आम व्यवहार सत्वे तार पुनर्भरण करो व्यवहार हो चली वैज्ञानिक उपाय वैज्ञानिक पद्धति गुड़िक अवलंबन कर तार कौन करा उचित ना सजत्न उपयोग करा उचित ताहले एहा हेले ही कौन हो पार ना संबल विकास यहीपरि भाव विभिन्न योजना हाथ को नि सरकार तरफ संबल को आहरी विकसित करने विभिन्न प्रकार पदक्षेप संबल संरक्षण ताहले स्टूडेंट संबल संरक्षण आम मैंने संबल को किपरि भाव संरक्षित करके रखिपर आम आगामी भविष्य पर तेरे संबल व्यवहार में यथोचित ह्रास आम मैंने जदि कौन जिनस को कौन करुचे बिना किसी भाभी चिंतिक आम तार व्यवहार करुचे नष्ट करुचे जहाँकि भविष्य पर बहुत क्षतिकारक तेणुक आम मैंने जो संबल को व्यवहार करुचे कौन करा उचित ना यथोचित ह्रास करा उचित व्यवहार में कौन करा उचित तार परिमाण में ह्रास करा उचित ताहले जाकि संबल संरक्षण कराकि आगामी भविष्य पर लाभदान हम ताहले संबल पुनर्चक्रीकरण कौशल अवलंबन ताहले स्टूडेंट्स संबल पुनःचक्रीकरण पद्धति अवलंबन कौन आम मैंने जो प्रकार संबल को व्यवहार करुचु ताकु पुणी थरे आम मैंने नूतन कौशल प्रयोग करी तार पुनर्भरण हो पार्थबा आवश्यक ताहले ताहा हेले जाएगी कौन हो पारिबा ना संबल संरक्षण हो पारिबा आम मैंने कौन करुचे संबल को अत्यधिक मात्र व्यवहार करुचे ताफल संबल कौन हो नष्ट जो स्थान आवश्यक ना सेठे संबल उपयोग आम मैंने करुचे ताद्वारा कौन हो संबल दिनकू दिन ह्रास पाइबार लगी तेणुक तार व्यवहार आम मैंने कौन करने को पड़ो कम ह्रास करने को पड़
जदि आम मैंने सेपरी न करे तो जो संबल व्यवहार करुचे पुणी थे पुनर्भरण करवश्यक कि पुनर्चक्रीकरण करवश्यक तेज संबल पुनः व्यवहार मध्यम समस्त प्रकार संरक्षण जो संबल को आम मैंने पुनर्चक्रीकरण करुचे से सब संबल गुड़िकमें विभिन्न उपाय संरक्षित करके रखा आवश्यक ता संबल संरक्षण जहाँकि आम पाई ही कौन हम आम आगामी भविष्य पर लाभदान हम आम मैंने संबल को तुम्हें जान लें प्राकृतिक संबल को विभिन्न उपाय व्यवहार करुचे आम व्यवहार द्वारा ता अत्यधिक परिमाण में जपरिक जंगल हो कि जल हो आम मान दरकार नथले व्यवहार करुचे नष्ट करुचे तेणुक तार व्यवहार में धीरे धीरे ह्रास करवा स्टूडेंट्स आम मैंने तो आज ये संबल और तार विकास तेज संबल प्रकार भेद गुड़िक कौन कौन ताण ले पढ़ले भल भाव बुझे संबल को किपर भाव विकास स्तर को आहरी निपर ताण ले संबल को किपर भाव आम मैंने संरक्षित करके रखिपर ताढ़े तेज मुशा करें वीडियो लेसन टी भल भाव बुझीपार वीडियो लेसन सेपरेट नोट्स एम सिक्यू क्वेश्चन आंसर एलआरएनआर आप्रे अपलोड अच्छी एलआरएनआर लिंक को तुम्हें डिस्क्रिप्शन रू डाउनलोड कर और सेठी जाइए से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर जदि किसी भी न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन में जन मुझे नेक्स्ट वीडियो गुड़िक सॉल्व करी।